सोशल मीडिया जिसका नाम हर बच्चे की जुबान पर है, जिसकी वजह से आज बिजनेस स्कूल्स और कंपनीज तक चल रही हैं, आखिर एक आइडिया से इतना बड़ा रेवोल्यूशन कैसे हुआ? सोशल मीडिया आज के सोशल मीडिया पर तमाम तरह के। नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। सोशल मीडिया की शुरुआत 1997 में एंड्रयू वेनरिच ने की थी 6 डिग्री नाम के एक प्लेटफॉर्म से, जो दुनिया का सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि लोग मैसेजेस और पोस्ट को एक दूसरे से इफेक्टिवली कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो आज फेसबुक पर होता है। सोशल मीडिया उस वक्त नया कॉन्सेप्ट था और नेटवर्क भी इतना डाइवर्स नहीं था, इस वजह से 2001 में एंड्रयू वेनरिच को 6 डिग्री बंद करना पड़ा। 6 डिग्री के फेलियर के बाद नए प्लेटफॉर्म्स आए, जैसे 2003 में माइस्पेस और स्काइप, उसके बाद 2004 में फेसबुक और ऑर्कट आए। हालांकि ये प्लेटफॉर्म्स अभी भी एक्टिव हैं, मगर फेसबुक ने जो जगह दिलों में बनाई है लोगों के, वो बाकी प्लेटफॉर्म्स नहीं कर पाए। 2004 में फेसबुक के आने से एक नया युग आया है। फेसबुक ने दुनिया को जोड़ने में एक बड़ा योगदान दिया है। फेसबुक को 4 फरवरी 2004 में लॉन्च किया गया था, मगर अगस्त 2005 में इसका नाम सिर्फ फेसबुक रख दिया गया। फेसबुक को मार्क जकरबर्ग, एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रयू मैकलम, डस्टिन मोस्कोविट्स और क्रिस ह्यूग्स ने बनाया है। शुरुआती दिनों में इसकी एक्सेस सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स और फाउंडर्स तक लिमिटेड थी। फिर धीरे धीरे बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और सितंबर 2006 तक कोई भी व्यक्ति जो वैलिड ईमेल आईडी और 13 साल से ऊपर तक था, फेसबुक यूज कर सकता था। 2003 में जब लोग सिर्फ पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन या डायरेक्टरी से ही जानकारी ले सकते थे, मार्क जकरबर्ग ने क्रिंसन को कहा कि वो इससे बेटर कर सकते हैं, और एक हफ्ते में ही फेसबुक के लिए कोड लिखना शुरू कर दिया। उस वक्त हार्वर्ड के स्टूडेंट एडुआर्डो सेवरिन ने $1,000 इन्वेस्ट किए और 2004 में फेसबुक लॉन्च कर दिया। फेसबुक के लॉन्च होने के 6 दिन बाद ही हार्वर्ड के सीनियर स्टूडेंट्स कैमरन विंकलवॉश, टाइलर विंकलवॉश और दिव्या नरेंद्र ने मार्क जकरबर्ग पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनका आइडिया चुरा लिया है और एक कॉम्पिटेटिंग प्लेटफॉर्म बना दिया। तीनों ने क्रिमसन को ये बात बताई और क्रिमसन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हालांकि मार्क जकरबर्ग ने ये जानने की कोशिश की कि कौन क्रिमसन के मेंबर्स हैं और उनका डेटा यूज करके अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया। इसके बाद लॉ सूट फाइल किया गया, जो बाद में सेटल हो गया। फेसबुक के बाकी के फाउंडर्स ने अपनी इक्विटी शेयर लेकर फेसबुक छोड़ दिया। फेसबुक को टक्कर देने के लिए 2010 में इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ, जो थोड़ा अलग था, लेकिन इसने यूजर्स को 2 सेगमेंट्स में बांट दिया। इंस्टाग्राम को बाद में फेसबुक के पेरेंट कंपनी ने मेटा ने एक्वायर कर लिया। सोशल मीडिया आजकल हर चीज में यूज हो रहा है, टैलेंट दिखाने के लिए, बिजनेस के लिए, एडुकेशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के नुकसान भी है। हैरेसमेंट, फ्रॉड और डिफेमेशन, रोज नए केसेस सोशल मीडिया फ्रॉड और अन्य हादसों के आते हैं। सोशल मीडिया का एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है। आजकल सोशल मीडिया बढ़ रहा है, हर काम डिजिटल हो रहा है, सब कुछ एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहा है। रिसेंट में गूगल पे लॉ सूट फाइल किया गया था कि गूगल यूजर्स के डेटा स्टोर करता है, लेकिन बाद में गूगल ने लॉ सूट को सेटल किया और डेटा डिस्ट्रॉय करने का वादा किया। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया के मिसयूज को कैसे कम किया जा सकता है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।